आज जो ऋतु राज की मैंने कप्तानी देखी है तो ऐसा लग रहा है कि ऋतु का राज रहने वाला है कप्तानी में। बहुत अच्छे चेंजेस किए थे, जब पहली चार ओवर में थोड़े से अंडर द पंप थे चेन्नई सुपर किंग्स, वहां पे मुस्तफिजर को लेके आए पांचवी ओवर में, और उसके बाद भी जो बदलाव किए, जो फील्ड सेटिंग थी, जरूर यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी उनको हेल्प कर रहे थे, लेकिन जो डिसीजन ले रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ वो देख के अच्छा लगा। और ऐसा लगा नहीं कि कुछ और बनने की कोशिश कर रहे, खुद ऋतुराज गायकवाड़ वहां पे मैदान में नजर आए थे अपने रूप में, तो ये देख के अच्छा लगा। दूसरी बात, आरसीबी के पास मौका था, इतना अच्छे स्टार्ट के बाद ना वो मोमेंटम बरकरार रखना, मैक्सवेल को जो भेजा उन्होंने जिस नंबर पे, वहां पे मुझे लगता है अनुज रावत को या किसी और बल्लेबाज को, यहां तक कि ग्रीन को भी भेजते तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि वहां पे एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जब दो विकेट गिरने के बाद के थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत थी, लेकिन मैक्सवेल वहां पे आउट हुए, इसी वजह से मुझे लगता है जो रन बनने चाहिए थे उतने रन बने नहीं। एक और आखिरी बात, शिवम दुबे को बहुत सारे बाउंसर का सामना करना पड़ा, ये जो दो बाउंसर का रूल है उस वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों को टारगेट किया जाएगा, शिवम दुबे को भी हर मैच में बाउंसर का सामना करना होगा और उसके लिए उन्हें तैयारी करनी होगी। वेल डन सीएसके।